दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ माई इंटरडे में। दोस्तों, बहुत अच्छा मार्केट आज मूव किया है और कल भी बहुत अच्छा मूव किया था। हम 2 दिन से किसी कारण से मार्केट में व्यस्त हैं, मार्केट के बाहर व्यस्त हैं, तो लेकिन मूव बहुत अच्छा हुआ और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ठीक ठाक पैसा बनाया होगा, क्योंकि मार्केट में इतने अच्छे मूव के बाद अब कल आई है एक्सपायरी, और एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 90% वोलाटाइल रहता है। वोलाटाइल का मतलब मार्केट ने जैसे आज यहाँ क्लोजिंग दी है, या तो गैप अप खुलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, और नीचे आके मार्केट जिस जगह ओपन होता है या 10:30 के आसपास होता है, मार्केट उसी जगह क्लोजिंग दे देता है। तो देखना यह है कि कल मार्केट कैसे ओपन होता है। लेकिन आप देख रहे हो, लगभग लगभग 14,200 के आसपास से मार्केट 14,850 तक की रैली कर चुका है। और इसके साथ ही अगर आप गौर से देखेंगे तो मार्केट में जिस जगह आज क्लोजिंग हुई है, ये देखिए, जिस जगह आज क्लोजिंग हुई है उस जगह पहले मार्केट का रेजिस्टेंस था। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, मतलब आप देखेंगे तो कई बार मार्केट ने इस पॉइंट को, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये इसका एक तगड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी इतना तगड़ा कोई रेजिस्टेंस होता है, जब भी इतना तगड़ा कोई रेजिस्टेंस होता है और मार्केट को उसे ब्रेक करना होता है, तो हमेशा गैप अप खुल के ही उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट, जो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब अगर हम आपसे कहें कि सपोज करो कि ये एक डिस्टेंस है जिसे आपको कूद के पार करनी है, अगर हम आपसे कहें कि ये एक डिस्टेंस है जिसे आपको कूद के पार करनी है, और आप इस जगह पे खड़े हुए हो और आपसे कहें कि इसे पार करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 फिट कूद सकते हैं, 3 फुट कूद सकते हैं, और ये मान के चलो 5 या 6 फुट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे खड़े होकर कूदो इस जगह तक, तो पॉसिबल होगा नहीं। अगर इस डिस्टेंस को आपको कवर करना है कूद के, तो वो कैसे कवर होगी? आप क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा और दौड़ लगा के आप आओगे यहां से। अगर आपने कूदा तो आप यहां पे पहुंच सकते हो। ये एक नेचुरल नियम है कि अगर आप जितनी डिस्टेंस को कूद के पार कर सकते हो उससे ज्यादा डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली आपको पीछे जाना पड़ेगा, और फिर दौड़ के आप आओगे तो इस डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हो। अब मार्केट में क्या स्थिति है? मार्केट की स्थिति भी यही है कि मार्केट कहाँ खड़ा हुआ है? एकदम अपने रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। अब इस रेजिस्टेंस को इसे पार करना है, तो रेजिस्टेंस पार कैसे होगा? मार्केट को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तभी इसको ये पार करेगा। और कई बार देखा है कि मार्केट डायरेक्ट अगले दिन गैप अप खुल जाता है। तो अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट इसी जो ये रेजिस्टेंस हुआ था, हुआ करता था, इसका सपोर्ट लेके मार्केट क्या करेगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। या फिर मार्केट में क्या हो, नीचे खुले, मार्केट नीचे खुले और फिर इसको तेजी से पार कर जाए, और ये जो रेजिस्टेंस है वो एक या दो बड़ी कैंडल बनाएगा और मार्केट पार कर जाएगा। लेकिन 90% केसेस में यही देखा गया है कि गैप अप खुल के ही इस तरह के रेजिस्टेंस पार होते हैं। तो 3-4 बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, अब अगर मार्केट को इसको क्रॉस करना है तो गैप अप ही ओपन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक बड़ी कैंडल बनेगी जो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकती है, नहीं तो मार्केट एक बार फिर से यहां से मार्केट नीचे की तरफ वापस आ सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नीचे की तरफ अगर मार्केट वापस आ सकता है तो क्या आपकी कल के लिए एनालिसिस होना चाहिए, और
और कैसे आप इस पोजीशन को बनाएंगे। देखिए मार्केट का अगला रेजिस्टेंस 15,000 के आसपास है, मतलब 14,970-80 ये आपका एक रेजिस्टेंस है, और जो इसका सपोर्ट है मार्केट का वो एक सपोर्ट आपका ये है लगभग 14,750 के आसपास। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि कल के लिए जो मार्केट की रेंज है वो 14,700 से लेकर मार्केट की रेंज 15,000 के बीच में है, 14,700 से लेकर मार्केट की रेंज 15,000 के बीच में है। कल एक्सपायरी है, आप इस रेंज को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इस रेंज को ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो सपोज करो ये आपको हमने बता दिया कि रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट ठीक रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कल वोलाटाइल होकर और इसी जगह क्लोज दे दे। अगर मार्केट को 15,000 क्रॉस करना है तो एक दिन या दो दिन इसको हॉल्ट करना ही पड़ेगा, या फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो आप इस लाइन को ध्यान रखिए, और इस 15,000 को ध्यान रखिए। 14,700 से लेके 15,000 के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट 14,900 के आसपास खुलता है तो ये 15,000 तक जाने की कोशिश करेगा, और खुल के पहली ही कैंडल बियरिश बना दे, अगर 15 मिनट की पहली ही कैंडल बियरिश है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप ऐसे लगाकर सेल कर सकते हो। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुन लो, अगर 15 मिनट की कैंडल पहली कैंडल बियरिश बनती है तो आप उस 15 मिनट की कैंडल के हाई का ऐसे लगाकर आप सेल कर सकते हो, और आपका टारगेट पहला टारगेट होना चाहिए जहां पर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है 14,850, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 14,750, और लास्ट टारगेट होना चाहिए आपका 14,700। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद कोई नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो आप पहली 15 मिनट की कैंडल के लो का ऐसा लेके हाई के ऊपर आप बाई करके 15,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। तो ये सिचुएशन है जो भी मार्केट जिस तरह से खुलता है। तो ये तो हो गई बात कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो दोस्तों कल है एक्सपायरी, इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। गैप डाउन खुल के मार्केट थोड़ा नीचे आके और फिर से ये ऊपर जाएगा और 14,850 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। हो सकता है 14,850 से 14,900 तक चला जाए और फिर वो इसी बीच में आकर कहीं पे वो क्लोजिंग दे देगा। तो अगर आपको रणनीति बनाना है या आपको कल ट्रेड करना है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा कि आप किस रेंज में और क्या ट्रेड करेंगे, और ये मोस्टली मैं 10:30 के आसपास दे दूंगा। आज मैं था नहीं, कल मैं था नहीं, लेकिन कल यानी कल के दिन मैं रहूँगा। हो सकता है कि कल मेरी लाइव क्लास भी हो ऑप्शन के स्टूडेंट के साथ, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लाइव क्लास हो। अगर लाइव क्लास जो होती है मेरी वो 10:30 पर होती है तो मैं आपको 10 से 10:30 के बीच में आपको डाल दूंगा मार्केट में आपको क्या ट्रेड लेनी चाहिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, लेकिन आप ट्रेड लेंगे अपने रिस्क के आधार पर। तो ये है निफ्टी की बात। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। ये देखिए बैंक निफ्टी में आपको याद होगा कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी और आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर गया तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, और आप देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया और देखिए सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको, आप, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसको भी आप फॉलो करते हैं एक व्यक्ति को आप फॉलो करिए, उसमें आपको 70-30 का रेशियो मिलेगा। 7 बार उनके सारे प्रोडक्ट जो भी आपके प्रेडिक्शन हैं वो सही जाएंगे और 3 बार रॉन्ग होंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100%
नहीं होता है। तो आप अगर जो लोग मेरे लगातार इस सीरीज़ के 30 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, 30 वीडियो जो लोग लगातार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, उनको आइडिया है कि मार्केट में कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ नहीं लेनी चाहिए। मैं लगातार आप लोगों को बताता हूँ और हर अपने करंट वीडियो में पिछले वीडियो के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये मैंने लाइन खींची थी, जो लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन दिक्कत क्या है, मेरे पास कॉल आया कि सर आपने जो लाइन ड्रॉ की थी मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला है, लेकिन सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्या ये लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों कमी क्या है, कॉन्फिडेंस की। जब आपने एक बार लाइन ड्रॉ कर दी तो उस लाइन पर आप अडिग रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने एनालिसिस पर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आप पैसा बनाएंगे। चलिए आज बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी को गौर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस अब यहाँ खड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ खड़ा हुआ है। ये लगभग 34,400 के बीच का एरिया है। क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 34,400। अभी मार्केट कहाँ है, 33,671, मतलब लगभग 800 पॉइंट का मूव अभी बाकी है। कोई बड़ी बात नहीं, कल मार्केट गैप अप खुल जाए, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ईजिली पार नहीं कर पाएगा। निफ्टी तो अपने रेजिस्टेंस पर आकर खड़ा हुआ है, ये अभी भी रेजिस्टेंस से दूर है। तो हो सकता है कि ये गैप अप खुले, गैप अप खुलेगा तो मार्केट जो है वो इस पॉइंट को टच करने आ सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो सपोज करो 33,600 है, 33,500 पे कल खुल गया मार्केट, तो ये धीरे धीरे इस तरफ जाएगा और इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी कैसी होती है, वोलाटाइल होती है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और कहीं बीच में क्लोजिंग हो जाती है। ये जो एक्सपायरी होती है वो वीकली एक्सपायरी जनरली होती है, और कल कौन सी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। और मंथली एक्सपायरी में आपको मैं बता दूं, जो मूव आते हैं वो बड़े बड़े मूव आते हैं। पता चला एक डायरेक्शन में बैंक निफ्टी 300 पॉइंट चला गया, उसके बाद 400 पॉइंट नीचे आ गया, फिर 200 पॉइंट चला गया, फिर 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो इस तरह की एक्सपायरी होती है जनरली मंथली एक्सपायरी। तो कल आपको ट्रेड करना है, केयरफुली ट्रेड करना है, और तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कल रेंज में आपको 10 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा कि आपको कहाँ इसमें ट्रेड लेना है। अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि 33,000 इसका एक सपोर्ट बन चुका है, 33,000 इसका एक सपोर्ट बन चुका है, और 34,400 इसका एक रेजिस्टेंस है, 34,400 एक इसका रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन मार्केट जो है वो 34,400 और 33,000 के बीच में मूव कर सकता है। 34,400 मैं लिख देता हूँ, 34,400 और 33,000 मार्केट क्या है, इन दोनों के बीच में कल एक्सपायर कर सकता है। तो आप लोग अगर कोई भी प्लान बनाते हैं तो इस रेंज को ध्यान में रखकर आप प्लान बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट इस रेंज में है, अगर नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ऊपर जाता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, और ये तो एक रेजिस्टेंस है। देखिए आप, ये भी एक रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मार्केट में ये तीन लाइंस के बीच में ही कल काम होने वाला है। अब आप देखिएगा, मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास एक बियरिश कैंडल बना रहा है, आप सेल कर सकते हो। इस रेजिस्टेंस के आसपास भी एक बियरिश कैंडल बना रहा है, आप सेल कर सकते हो, और इसके आसपास एक बुलिश कैंडल बना रहा है तो आप बाई कर सकते हो। तो ये आप कल बैंक निफ्टी में कर सकते हो। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कमोडिटी की, कमोडिटी पर चलते हैं। क्रूड, ये देखिए, ये लगभग आज 4750 पे पहुंच गया है। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग हैं, मैंने अभी विश्वास वाली बात कही है, अगर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे।
देखिए मैंने आपको क्या दिया था, 4690 पे बाई दिया था, 4754 तीसरा टारगेट था, लगभग लगभग तीनों टारगेट अचीव हो गए, तीनों टारगेट अचीव हो गए। और मैं बैंक निफ्टी के लिए भी आपको ट्रेड देता हूँ, जरा देखिए आप, 3200 पे हमने आपको बाई के लिए बोला है, टारगेट तीसरा 33233, अचीव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, 100% हुआ। और जो स्टॉक्स हमने आपको दिए हैं, टीवीएस मोटर्स, मारुति, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, एचडीएफसी, एमसी, जरा जाकर चार्ट देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। ये सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और आप अगर प्राइस एक्शन जानते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट आज के दिन बना सकते थे। 1 तारीख से मैं 2 ट्रेड रोज देने की कोशिश करूंगा, पहले भी दे सकता हूं, लाइव मार्केट में भी मैं बता दूंगा किस पॉइंट पे आपको एंट्री करना है, कहां पर स्टॉप लॉस रहना चाहिए और कहां पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो 1 तारीख से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये दूंगा। तो दोस्तों, मेरे को कई बार फ़ोन पे बात हुई है मेरे से लोगों से, मेरे से ये कॉल पे ज़्यादातर पूछा जाता है कि सर मैंने तो ट्रेड लिया था कॉपर में या क्रूड में, मैंने ट्रेड लिया लेकिन सर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर मैंने फिर उसके बाद ट्रेड लेना छोड़ दिया। दोस्तों, दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जो आपको ये लेवल्स देता हूँ ये भी 70% टाइम्स हिट होते हैं, 70% टाइम्स हिट होते हैं। और जब हिट होते हैं तो तीनों के तीनों टारगेट देते हैं, तीनों के तीनों टारगेट देते हैं। आप एक लॉट से डेली ट्रेड करिए, और 1 महीने आप पहले बैक टेस्ट कर लीजिए, पेपर ट्रेड कर लीजिए कि 1 महीने अगर आपने इसमें ट्रेड किया होता तो कितना आपको मिलता। तो ये होता क्या है, जनरली हम लोगों की आदत ये होती है, एक में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो दूसरा ढूंढते हैं, दूसरे में गड़बड़ हुआ तो तीसरा ढूंढते हैं, और यही ढूंढते ढूंढते हम लोगों की 2-3 साल निकल जाती हैं और 2-3-4 लाख रुपया भी हमारे अकाउंट का साफ हो जाता है। दोस्तों, आप उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ दुनिया में ही मौजूद नहीं है, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ढूंढना चाहते हो 100% कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो और हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो वो चीज़ दुनिया में ही नहीं है, तो आपको मिलेगी कहाँ से? आपको करना क्या है, आपको लॉसेस अपने छोटे रखना है और प्रॉफिट बड़े रखना है। ये काम आप सीख गए तो आप समझ लो कि आपने दुनिया में वो जादुई चिराग ढूंढ लिया जिस चिराग से कुछ भी बोलने पे पूरा हो जाता था। मैं भी दोस्तों 2008 से मार्केट में हूँ, 12-13 साल मुझको हो गई हैं, मैं भी आप ही की कंडीशन में था, लेकिन धीरे 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 मुझको भी ये बात समझ में आई कि एक चीज पर टिके रहना आपके प्रॉफिट की गारंटी बन जाता है। एक स्ट्रेटजी को, एक व्यक्ति को, एक बुक को, एक सेटअप को आपने अपना आदर्श मान लिया, फिर आपको इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। उसी पे आप लगातार काम करो, उसमें जो कमियां निकलती हैं, जो गलतियां आपसे होती हैं, उनको करना कम कर दो, आपका प्रॉफिट बनने लगेगा। तो चलिए आगे चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो क्रूड की हम बात कर रहे थे, क्रूड में हमने आप लोगों को बताया था, याद करिए, मैंने एक लाइन भी आप लोगों को ड्रॉ की थी, याद करिए, ये वाली लाइन ड्रॉ की थी। हमने कहा था कि मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो, याद करिए, मैंने बोला था आपसे कि ये 150 से 200 पॉइंट की रैली देगा देगा। और जब मार्केट इस जगह के आसपास था, 2 दिन तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, शायद कल या परसों वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट इसको टच करने जरूर आएगा, आया। फिर देखिए ऊपर गया मार्केट, फिर इसको टच करने आया। अब जब ये ऊपर जा रहा है तो क्या डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है तो यहाँ से मार्केट में क्या होना चाहिए थी, बाइंग होना चाहिए थी। और डबल बॉटम भी आपको दिख रहा है तो डबल बॉटम से भी आप इसमें बाइंग बना सकते थे, यहाँ से भी इसमें बाइंग बना सकते थे।
ये कुछ भी नहीं जानते। तो 4690 का लेवल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया था आपको, आप टेलीग्राम चैनल से अगर 4690 पे भी एंट्री लेते तो 4740 चल रहा है इस समय, गया तो 4750 के आसपास है, अभी भी आपको 50 पॉइंट और एक लॉट में 5000 का प्रॉफिट कम नहीं होता है। तो दोस्तों मार्केट को बिल्कुल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। कॉपर की बात करते हैं, जरा आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, क्या मैंने आपको बोला नहीं था कि कॉपर 48 को क्रॉस करेगा तो ये 58 इसका पहला टारगेट होगा और 68 दूसरा टारगेट। अगर नहीं है तो आप पीछे का मेरा वीडियो इस सीरीज का उठा के देख लीजिए, 2-3 दिन पहले का ही वीडियो देख लीजिए, जब मार्केट 750 पे खड़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि 750 पे आप इसको बाई कर सकते हैं, 48 के ऊपर ही 750 के आसपास बताया था, और इसका पहला टारगेट 757-758 और दूसरा टारगेट 768। ये मैंने मई सीरीज का लगा लिया है क्योंकि इसकी एक्सपायरी होने वाली है तो मैंने मई सीरीज का लगाया है। आप अप्रैल सीरीज का देखेंगे तो 757 को टच करके वापस मार्केट लौटा है। तो दोस्तों मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है, मार्केट आपको खुद ही बताता है कि आपको एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बाई की एंट्री लेना चाहिए या सेल की एंट्री लेना चाहिए। मार्केट आपको, अगर आप रॉन्ग हो तो मार्केट आपको ये भी बताता है कि आप एग्जिट कर जाइए। उस समय आप अपने दिमाग की सुनते नहीं हो, आप अपने मन की सुनते हो, और मन कहता है थोड़ा वेट करो, मार्केट आपके प्राइस पे आएगा तब निकल जाना, और वो मन की बात अक्सर गलत हो जाती है। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए मन की बात कहाँ सुनना चाहिए आपको पता है, लेकिन हम शेयर मार्केट में क्या करेंगे, दिमाग की बात सुनेंगे। तो आप ध्यान रखिए, मन की बात कहीं और सुनिए और शेयर मार्केट में दिमाग की बात सुनिए। तो दोस्तों अब देख लीजिए आप कि ये 758 के आसपास है, और मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि ट्रेडिंग करना बिल्कुल आसान है, लेकिन ट्रेडिंग ना करना, किस रेंज में ट्रेडिंग नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है तो आप बहुत लॉसेस से बच सकते हो। अब आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लगातार सीरीज हमारी देख रहे हैं, ये देखिए क्या है, एक परफेक्ट मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि इसके ऊपर बहुत ऊपर जाएगा, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि मार्केट में कॉपर 750 भी जा सकता है, गया ना, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे स्लोली ये ऊपर निकल गया। अब क्या है, ये मार्केट का वो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट गैप अप खुलाता और इसको इसने होल्ड करके रखा हुआ है, और मार्केट यहाँ से क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो ये पॉइंट इसका वो पॉइंट था जहाँ पे मार्केट गैप अप खुला था, इस पॉइंट के बाद मार्केट सीधा गैप डाउन खुला। जब गैप डाउन खुला तो जो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी क्या हो रहा है, सपोर्ट। ये देखो पहली बार टच किया, ये दूसरी बार टच किया, अगर तीसरी बार भी टच करता है तो मैंने आपको बताया है कि बार बार अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर जाता है तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेच कर चुका है मार्केट, और जब मार्केट स्ट्रेच कर चुका होता है तो जानबूझकर अपने हाथ पैर जलाना अक्लमंदी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको फिर से वही कहूँगा, इस रेंज को ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन मान लीजिए। मार्केट अगर अपना हाई ब्रेक करता है तो मैंने क्या बोला था, 757 से 768 तक जा सकता है, यानी 10-11 रुपए। इस मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, आपको 10 से 11 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। और मार्केट, अब देखिए मार्केट ने यहाँ गैप डाउन खुला, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये यहाँ पर अभी आके खड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस लो को यहाँ से लौटता है, इस लो को ब्रेक करता है, आप इस पॉइंट के लिए प्रिपेयर रहिए, मार्केट इस पॉइंट पर आ सकता है और यहाँ से एक रिवर्सल भी
ले सकता है, यहां से एक रिवर्सल भी ले सकता है। अगर मार्केट इस ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन में चला जाए, आप कॉपर को छोड़ दीजिए, बहुत सारी कमोडिटी हैं ट्रेड करने के लिए, कॉपर को ट्रेड इस लेवल के ऊपर या इस एम पॉइंट के मिड पॉइंट पर अगर ये आता है, यहाँ से आप एक सेल बना सकते हो इसी पॉइंट का एसएल लगा के, और आप वेट कर सकते हो 5 से 8 रुपए के मूव का। तो ये बात हो गई कॉपर की। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हमने आपको साफ साफ बताया था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर चुका था, आपको याद होगा मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। हमने कहा था कि मार्केट इस पॉइंट को टच करेगा और यहाँ से वापस आएगा, तो ये वापस 195 और 190 तक जा सकता है। मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देखिए कितना अच्छा मूव दिया है, देखिए कितना अच्छा मूव दिया है। तो मार्केट अभी भी कहाँ है, अप ट्रेंड में है। तो ऐसे टाइम पर मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हैं सर क्या मैं नेचुरल गैस को सेल कर दूं? दोस्तों ऐसे कैसे सेल कर दोगे, सेल करने का कोई रीजन तो होना चाहिए, यहाँ तो कोई रीजन ही नहीं है सेल करने का। तो जब तक सेल करने का रीजन ना आए, तब तक आपको इसको सेल नहीं करना है। इसमें देखते हैं अगर आवली चार्ट पे कुछ बनता है तो इसको देखते हैं। दोस्तों आवली चार्ट पे ये, अब देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, उस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये इसका रेजिस्टेंस है, सॉरी ये इसका रेजिस्टेंस है, लगभग लगभग 230 के आसपास। डेफिनेटली सेल करिएगा 230 के आसपास। क्या कह रहा हूं मैं, 230 के आसपास डेफिनेटली सेल करिएगा, एक 3 से 4 पॉइंट का एसएल लेके 230 के आसपास। अभी वेट करिए, अभी आपको ट्रेड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी, आपको अगर आज मन नहीं मान रहा है और ट्रेड करना है तो आप कहाँ ट्रेड कर सकते हो? आप अगर गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी तक का जो वॉल्यूम हुआ करता था यहाँ तक, इसकी तुलना में वॉल्यूम बढ़ रहा है, और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बाइंग साइड में बढ़ रहा है। और जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो सेल बनता नहीं है मेरे पास। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे कॉल कई बार किया, और कई लोगों ने किया कि सर नेचुरल गैस सेल कर दें, सर नेचुरल गैस सेल कर दें। भाइयों ऐसे सेल नहीं किया जाता, एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल बनने दीजिए, उसके बाद अगर उस बियरिश कैंडल के नीचे मार्केट रहता है तब हम सेल करेंगे। तो यहाँ सेल करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो आप लोग अभी इसको वेट करिए। सेल मैंने क्या बताया आपको, 230, 28 और 30 की एक रेंज है, उस 28 और 30 के बीच में मार्केट आता है, आप उसको सेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 228 30, या फिर आप ये समझ लीजिए जहाँ से ये गैप अप हुआ है ना, यहाँ से ये गैप अप हुआ है ना, ये गैप फिल होने दीजिए और इसको ब्रेक करने दीजिए। जब इसको ब्रेक करेगा आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अभी सेल की पोजीशन आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बहुत तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है। और जब तगड़ा वॉल्यूम आता है तो देखिए, जब जब वॉल्यूम आया है मार्केट में 10 10 12 12 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, 1 तारीख से आपको ट्रेड देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।